टेंथ क्लास इलेवेंथ सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इसको ही कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन कहते हैं। देखो ब्रीथिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर रिलीज करना। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। सेकेंड है नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड टर्स्टियल। वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, जो पानी में रहते हैं, और टर्स्टियल एनिमल्स क्या होते हैं, जो जमीन पे रहते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स है वो, उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, गिल्स। आपको पता है जो जितनी भी फिश होगी, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सारी किससे रेस्पायर करती है, गिल्स से रेस्पायर करती है। अगर टर्स्टियल की बात करें जो जमीन पे रहते हैं, तो वो किससे रेस्पायर करते हैं, लंग्स से। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको पता है कि जो फिशेज होती हैं वो गिल का यूज़ करती हैं, और जैसे बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, मैमल्स में हम ही आते हैं। ठीक है, जो टर्स्टियल एनिमल्स हैं वो क्या किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, लंग्स के थ्रू। थर्ड स्टेप है व्हाट आर दी स्टेप इन्वॉल्व इन रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या फ्लोइंग स्टेप है, सबसे पहले तो ब्रीथिंग ही होती है। ब्रीथिंग मतलब सबसे पहले गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड के अंदर। ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे सबसे पहले लंग्स में जाती है। ठीक है, तो वहाँ से ब्लड क्या लेके आता है, CO2 है, तो वो CO2 को तो बाहर रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन हम यूज़ कर लेते हैं। सेकेंडली आता है डिफ्यूज़न होना गैसेस का, ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूज़ हो जाता है। डिफ्यूज़न तो किसका होगा, CO2 का ही होगा, बाहर रिलीज हो जाएगी। थर्ड क्या है, गैसेस का ट्रांसफर होकर कौन किसके द्वारा होता है, ब्लड के थ्रू होता है, सारा काम ब्लड के थ्रू होता है, तो इसमें भी गैसेस का एक्सचेंज भी ब्लड के थ्रू होता है। थर्ड क्या आता है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन और CO2। जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और CO2 का, वो किस किस के बीच में होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में। टिश्यू का मीन क्या है, जो सेल के ग्रुप होते हैं। ठीक है, सेल क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी होती है, और जो सेल के ग्रुप है उसको हम कहते हैं टिश्यू। इनका स्पेशल वर्क होता है, अलग अलग सेल का अलग अलग वर्क होता है। थैंक्स।